वो पाकिस्तान के अंदर और उनके ननकाना साहब करतारपुर पर भी कब्जा कर रहे हैं, परंतु आज का वैमनस्य उनको इतना अंधा कर देता है कि उसके खिलाफ नहीं। भारत ने जब ये कहा दुनिया के अंदर और विशेष रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी पर जो जुल्म है, पूरी दुनिया के देशों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये कह दिया है कि यहाँ जुल्म होते हैं, हो हम देखेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं। दैट वाज ए सो डार्क पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। आप दुनिया के अंदर किसी व्यक्ति का, नेता का और देश का नाम लेकर बताइए जब माइनॉरिटी पर जुल्म थे पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जब तिब्बत के अंदर चीन विस्तार करके और बौद्ध धर्म को विनाश कर रहा था, जब तालिबानी लोग और डायनामाइट लगाकर बुद्ध प्रतिमा को तोड़ रहे थे। हु स्पोकन अगेंस्ट दैट क्रुएलिटीज एंड डार्कनेस? क्या अमरीका बोला, रूस बोला, चीन बोला, जर्मनी बोला, इटली बोला, अरब बोला, तुर्किस्तान बोला, कनाडा बोला, फ्रेंच बोला? नो, केवल हिंदुस्तानी तो बोला ना। फिर उस हिंदुस्तान के अंदर कोई आदमी कह दे मेरा दम घुट रहा है तो ही आल से टेररिस्ट। यानी वो हमारे हिंदुस्तान को बदनाम कर दे और हम हिंदुस्तान के नागरिकों को गाली दे दे और आप प्रश्न करें मेरे से आकर कि ये क्या ठीक है कि गलत है। समझ नहीं आता, पूरा गलत है। क्यों नहीं समझ में आना चाहिए? किस लिए समझ में नहीं आना? किस लिए कंफ्यूजन रहना चाहिए? क्या हमारी शिक्षा इतनी बेकार है कि हम सत्य और सही और गलत को भी समझने में आज असहाय हो गए हैं? तो इसलिए इसको तो समझ नहीं होगा। प्रश्न समझ का नहीं है, प्रश्न साहस का है। प्रश्न साहस का नहीं है, अपने अंदर की दुर्बलता का है। डोंट बी सो टॉलरेंट कि आपका वजूद ही खत्म हो जाए। और आप राक्षस को और शैतान को वजूद के दे दे, अरे सामने लड़की की इज्जत लूटी गई है, पूछता है पुलिस वाला और प्रेस वाला कि आपने देखा नहीं साहब, मैं बड़ा निष्पक्ष आदमी हूँ। निष्पक्ष काहे का? कायर है और पापी और अपराधी है। बेटी की इज्जत लूट रही थी, उसको बचाने के लिए शब्द भी बोला नहीं, एक्शन भी नहीं बोला, तो उसको मानव कहने का हक क्या है और उसने मानव कहलाने का अधिकार कौन सा रखा?